जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आज की वीडियो में हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी S23। अब जैसे वीडियो एक रिव्यू तो नहीं है, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए होता है रिव्यू के लिए, बट इस वीडियो में मैंने टेस्ट किया इसको। अलग सिचुएशन में जाके कैमरा सैंपल्स लेना चाहता था, या स्पेशली S22 के कंपैरिजन में हीटिंग वगैरह पे कुछ कंट्रोल हुआ कि नहीं वो देखना चाहता था, क्योंकि लास्ट ईयर S22 हीट ज्यादा कर रहा था। वो सारा देखने के लिए मैंने थोड़ा टाइम लिया। मैं कहा अब आते हैं आपके सामने, ताकि इनिशियल इंप्रेशन में थोड़ा बेटर चीजें आपको जानकारी मिल सके। एंड बाकी यस, रिव्यू पे भी काम चलेगा, S23 या 23 अल्ट्रा में से किसी एक का पहले हो पाएगा। तो अगर इसकी अनबॉक्सिंग की बात करें, वही भाई सिमिलर अनबॉक्सिंग मिलेगा आपको, चाहे S23 हो, चाहे S23 प्लस हो, चाहे S23 अल्ट्रा हो। बॉक्स के अंदर आपको फोन मिलेगा, उसके बाद Type-C to Type-C केबल मिलेगा, एक सिम इजेक्टर पिन मिलेगा, एंड लास्ट ईयर से कोई चार्जर नहीं मिलता आपको बॉक्स के अंदर। ओके, तो जैसे फोन बाहर आता है ना भाई बॉक्स से, तो यहाँ पर मेरे पास S22 भी है। इसके कंपैरिजन में इनिशियल क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, एक तो कैमरा मॉड्यूल देख रहे हो आप, डिजाइन बदल चुका है, अभी ज्यादा मिनिमल लुक दे दिया, सिंपल लुक दे दिया। उसके बाद नीचे की तरफ आपको एक एक्स्ट्रा माइक देखने को मिलता है, तो बैकग्राउंड में अगर शोर शराबा यानी कि जो नॉइज है उसको थोड़ा ज्यादा स्लाइटली कट करने में हेल्प करता है। और पावर बटन वॉल्यूम बटन ना थोड़ा ऊपर की साइड चला गया है, और प्रैक्टिकली अब बताओ किसकी प्लेसमेंट सही हुई है ज्यादा, बटन प्लेसमेंट प्रैक्टिकली ये वाला ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से स्पेस प्रॉपर इसी पे लैंड करता है बाय डिफॉल्ट थंब आपका, और इसमें थोड़ा सा नीचे था। प्रैक्टिकली दोनों से आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी, बट एक जो फर्क दिखता है वो मैंने आपको शेयर कर दिया। और तीसरा फर्क आपको याद होगा, लास्ट ईयर S22 अल्ट्रा में ब्राइटनेस निट्स ज्यादा था, इस साल इक्वल कर दिया गया, चाहे S23 हो चाहे S23 अल्ट्रा हो, 1750 निट्स की ब्राइटनेस है। और फोर्थ चेंज, आपको 200 mAh एक्स्ट्रा बैटरी ऐड की गई है, 3700 mAh था पहले, अभी 3900 mAh बैटरी है। एंड आई विश यहाँ पर S22 अल्ट्रा और S22 प्लस की तरह 45 वोल्ट के चार्जिंग सपोर्ट मिला होता, लेकिन जो सैमसंग का 25 वोल्ट का फास्ट चार्जर आता है उसको मैंने टेस्ट करके देखा, तो 1 hour 20 minutes का टाइम लगता है इसको फुल चार्ज होने में। इसके अलावा जो इसके अंदर टाइपिंग एक्सपीरियंस यानी कि हैप्टिक मोटर फीडबैक है जो, वो सिमिलर मिलता है S22 जैसा। प्रैक्टिकली ये अल्ट्रा से कम स्ट्रॉन्ग फील होता है, बट डेफिनेटली जो नॉर्मल फोन में आते हैं उनसे बेटर और सॉलिड फील होता है। और लास्ट ईयर की तरह यहाँ पे डुअल लाउड स्पीकर की क्वालिटी, और साथ में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर जिसकी पोजीशन काफी अच्छी जगह पे है, और फास्ट है, इजिली अनलॉक हो जाता है। और एक चीज आप बिल्कुल ध्यान देना, जो मेरे पास गैलेक्सी S23 है ना, इसके अंदर UFS 3.1 स्टोरेज है, क्योंकि मेरे पास जो ये वेरिएंट है ना, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला है, ये 256GB के साथ भी आएगा। और जैसे आप 256GB में जाएंगे तो जो आपको स्टोरेज है ना वो S23 प्लस या अल्ट्रा की तरह UFS 4 मिलेगा। इसके पीछे दो लॉजिक हो सकते हैं, पहला इनको थोड़ा प्राइस कम रखना होगा S23 का, दूसरा टेक्निकली पॉसिबल नहीं था UFS 4 के साथ 128GB, क्योंकि सैमसंग का जो स्टोरेज है UFS 4 ये शुरू ही 256GB से होता है। बाकी इसके 8GB रैम या 128GB जो इंटरनल स्टोरेज वगैरह है ना, उस पर मेरा ओपिनियन अभी लास्ट तक बात करते हैं। उससे पहले जैसे फिजिकली तो आपको पता ही है, चाहे S22 हो चाहे S23 हो, ये कॉम्पैक्ट फोन है, बहुत कम फोन है मार्केट में जो कि कॉम्पैक्ट और हैंडी की लिस्ट में आते हैं, तो ये उनको टारगेट करता है। 170 ग्राम के आसपास फोन है, फ्रंट और बैक में जो ग्लास प्रोटेक्शन है लेटेस्ट गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 मिलेगा, साइड में आर्मर ग्रेड एल्युमिनियम। और वीडियो में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि फोन तो प्रीमियम है, बट ये फोन इतना भी छोटे डिस्प्ले के साथ नहीं आता, 6.1 इंच है ये, बट फिर भी कॉम्पैक्ट रहता है ये, क्योंकि जो इसके साइड में ब्लैक बॉर्डर या बेजल्स बोलना चाहूंगा मैं, आप देखोगे सिमेट्रिकल है, काफी कम है। ये सिमिलर था लास्ट ईयर भी, ऐसे दिखता था, और साथ में IP68 रेटिंग के साथ वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग के साथ आएगा। बस हाँ, इस साल डिस्प्ले की ब्राइटनेस निट्स ज्यादा हो गई, जैसे मैंने कहा 1750 निट्स की, ये एक 6.1 इंच की फुल HD प्लस डायनेमिक एमोलेड 2X डिस्प्ले है, HDR10 प्लस का सपोर्ट मिलेगा, तो ब्राइटनेस अच्छी है, कलर्स काफी अच्छे आने वाले हैं, और ये 120Hz की डिस्प्ले है, अडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आएगा, 48Hz टू 120Hz तक शिफ्ट करेगा। अल्ट्रा जो है वो 1Hz टू 120Hz शिफ्ट करता है। अब जो मुझे मेन टेस्ट करना था, जो कॉम्पैक्ट फोन होते हैं ना, क्योंकि उसके अंदर स्पेस कम होता है तो जो हीटिंग है ना, हीट तो सारे फोन होते हैं, बट वो हीट कॉम्पैक्ट फोन थोड़ा ज्यादा करता है, क्योंकि हीट रिलीज होने की जगह कम मिलती है। तो लास्ट ईयर S22 काफी हीट कर रहा था, इनफैक्ट जब फोन ज्यादा हीट करता है तो बैटरी बैकअप भी कम हो जाता है, ऑटोमेटिक थ्रोटल करने लग जाता है फोन, तो ये चीजें भी फर्क आती है। तो मैंने कहा देखते हैं इसका क्या हाल है। तो इसके अंदर एकदम लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 मिलेगा, जिसको सैमसंग कहता है स्नैपड्रैगन फॉर गैलेक्सी। ये एक ओवरक्लॉक्ड स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है जो S23 सीरीज में यूज हुआ है। एक प्रैक्टिकल टेस्ट भी दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले थ्रोटल टेस्ट अगर देखें तो S23 का जो यहां पे ग्राफ है वो रेड साइड नहीं जाता, और S22 का जो ग्राफ है, इसको अपडेट वगैरह मिलने के बाद थोड़ी बहुत चीजें इंप्रूव भी हुई हैं, बट स्टिल अभी भी रेड साइड चला जाता है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे S23 में
जिप स्कोर ज्यादा आते हैं 3 लाख के आसपास और S22 में 2.37 लाख, तो जिप स्कोर भी बेटर है। तो थ्रोटल टेस्ट यहाँ पे S23 का बेटर है। Geekbench स्कोर की बात करें तो यहाँ पे सिंगल कोर मल्टी कोर स्कोर ज्यादा आते हैं S23 में। इनफैक्ट PC मार्क स्कोर भी ज्यादा आते हैं S23 में। वैसे एक टेस्ट मैंने पहली बार रन किया है, मैंने अभी तक फोन में रन नहीं किया था, वो ना 3D मार्क स्कोर है। बट यहाँ हो क्या रहा है ना, जब इसको रन करते हैं तो 8 Gen 2 के जितने प्रोसेसर है इसमें, ये मैंने टेस्ट करके देखा था, तो ये हमारे पास S23 है, ये देखो यहाँ मैक्सड आउट लिखा आ जाता है, टू मच पावरफुल करके। ये इसी फोन में नहीं, सभी स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के साथ सभी फोन में शो कर रहा है। बट इसको मैक्स करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, ये देखो वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम अनलिमिटेड, जबकि इसके अंदर वाइल्ड लाइफ अनलिमिटेड आता है, एक्सट्रीम वर्ल्ड लिखा नहीं आता S23 के अंदर। और इनको जब सिलेक्ट करके रन करो तो मैंने जो टेस्ट यहाँ पे किया था, सो यहाँ जो रिजल्ट आता है ना वो ये आता है। फर्क है दोनों में, ये एक्सट्रीम टेस्ट है, ये सिर्फ वाइल्ड लाइफ अनलिमिटेड है। तो आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ये एप्लीकेशन से टेस्ट किया था फोन में, कहाँ से एक्सट्रीम वगैरह इनेबल करते हैं। बट बाकी टेस्ट आपके सामने हैं जिनमें S23 बेटर परफॉर्म कर रहा है। जैसे मैंने कहा डे टू डे लाइफ में मैं इसको और ज्यादा टेस्ट करूंगा, काफी सारी चीजें की जाएंगी इसके साथ, लेकिन एक चीज मैं डे टू डे लाइफ में कर सकता था। मैंने क्या किया, दोनों फोन में 4K 60fps की रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया और रख दिया फोन को। दोनों फोन का इनिशियल टेम्परेचर 35 डिग्री के आसपास था और आउटडोर में किया था भाई मैंने ये। 5 मिनट बाद जब मैंने टेम्परेचर को टेस्ट किया तो यहाँ पे दिखता है कि S23 2 डिग्री कूल रहता है S22 के कंपैरिजन में। और ये चीज आपको पता होना चाहिए, जब भी टेम्परेचर एक लेवल से ऊपर बढ़ना शुरू करता है फोन थ्रोटल करता है ताकि टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके। और जब भी फोन थ्रोटल करेगा परफॉर्मेंस डाउन होता है, अगर वीडियो शूट कर रहा है तो फ्रेम स्किप होने चाहिए, और वही काम हुआ S22 में जबकि S23 में नहीं हुआ। ये देखो मैं ना इसको मूव करा रहा हूँ इधर उधर, लेफ्ट राइट दोनों फोन को एक साथ, यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा कि वीडियो तो 4K 60fps की है लेकिन जो S22 में है फ्रेम स्किप होने लग गया। दोनों ने हालांकि भाई वीडियो रिकॉर्डिंग को रोका नहीं, बहुत सारे फोन क्या करते हैं 4K 60fps पे गर्म होकर रिकॉर्डिंग रोक देते हैं, ऐसा कभी S22 में हुआ ही नहीं, बट फ्रेम स्किप हो रहे जबकि S23 में फ्रेम स्किप नहीं हो रहा है। इवन ऑटो फोकस वगैरह भी बेटर काम करता हुआ नजर आता है S23 में ऐसी सिचुएशन में। इवन जब मैंने 15 मिनट के बाद इस रिकॉर्डिंग को रोका, इंडोर गया बैठा, तुरंत मैंने क्या किया कैमरा एप्लीकेशन को मिनिमाइज किया, तो मैंने एक चीज नोटिस किया, तो मैंने कैमरा पे कैप्चर किया। यहाँ पे आप देखो जो मैं कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूँ ना, बार बार मिनिमाइज कर रहा हूँ ओपन कर रहा हूँ, S22 में स्लो हो चुका है क्योंकि फोन थ्रोटलिंग कंडीशन में है। थोड़ी देर बाद जब फोन ठंडा होगा तो ये सही हो जाएगा, बट S22 में ये अभी भी फास्ट काम कर रहा है। तो इन टेस्ट से काफी क्लियर है कि S23 में थ्रोटल इतनी जल्दी नहीं हो रहा है, तो बैटरी बैकअप इम्प्रूव्ड होना चाहिए, प्लस 200 mAh बैटरी भी एक्स्ट्रा है। और जो मैंने इनिशियली टेस्ट किया मुझे भी फील हुआ कि इम्प्रूव्ड है, लेकिन मैं इसको डे टू डे लाइफ में और ज्यादा, जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं ना, मोबाइल डेटा वाईफाई सब कुछ टेस्ट करके वो चीजें भी अपडेट कर दूंगा, बट यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिख रही है। तो कुछ ऐसा सा एक्सपीरियंस है, बाकी कॉम्पैक्ट फोन है तो नॉर्मल से थोड़ा वार्म कंडीशन देखने को मिल सकता है, बट रिजल्ट काफी पॉजिटिव आए हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर में यहाँ पे एंड्रॉइड 13 मिलेगा 1UI 5.1 के साथ, तो डेफिनेटली एनिमेशन वगैरह जो है ना 1UI 5.1 के साथ बेटर हुए हैं पहले से। और बाकी ये फोन नॉर्मली जो लोग लेते हैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस कैमरा वगैरह के लिए लोग ज्यादा बाय करते हैं, बट हाँ गेमिंग एक्सपीरियंस भी पहले से इंप्रूव हुआ, तो कैजुअल गेमिंग वगैरह भी आप अच्छी कर पाओगे। और सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए सभी फोन में सैमसंग के 4 साल का एंड्रॉइड और 5 साल सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। तो भाई कैमरा टेस्टिंग का टाइम है, और ना भाई सब्सक्राइबर देख रहे हैं मेरे को, उधर से भी आने वाले हैं। अरे भाई क्या हाल है, बढ़िया है भाई। भैया फोटो एक काम करो भाई, ये लो हम फोन टेस्ट कर रहे हैं, इसी से फोटो ले लो, हम लोगों की देखते हैं कैसा आता है। पोर्ट्रेट लेना ठीक है भाई, आ गया सही आया। ओह नाइस, 50 MP मेन, 12 MP अल्ट्रा वाइड, 10 MP 3x टेलीफोटो और 12 MP सेल्फी। बाकी मैंने आपको कहा था भाई कैमरे के लिए मैंने अलग से टाइम निकाला था एक दिन पूरा, तो यहाँ पर मैंने कैमरा से काफी सारे सैंपल्स ट्राई किए। और अगर आपके मन में आ रहा है तो यहाँ भी S23 अल्ट्रा की तरह ही अभी आप 8K 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, पहले सिर्फ 24 था, तो अभी फ्रेम्स बेटर हुए हैं। एक्सपर्ट रो मोड मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको 4K पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो भाई फ्रंट और बैक कैमरा में, तो वीडियो में शार्पनेस इंप्रूव मिलेगी आपको। साथ में डायरेक्टर व्यू मोड सब मिल जाएगा, वो 1080p पे काम करता है। एंड 4K हाइपरलैप्स में एक ऑप्शन आता है स्टार ट्रेलिंग का, मैंने ये भी ट्राई करके देखा। ट्राइपॉड पर रखना पड़ता है फोन, ये हमने 2.5 घंटे रिकॉर्ड किया था, 30 सेकंड की वीडियो आई थी, थोड़ा हम एडिटिंग में और फास्ट कर दे रहे ताकि आपको तारे मस्त जाते हुए दिखाई दे, और ये भी 4K तक शूट कर सकते हो आप। बाकी आप 4K 60fps तक वीडियो शूट कर सकते हो, 4K 30fps पे फ्रंट बैक सभी कैमरे में स्विच कर सकते हो, और यहाँ पे जो एक्सपोजर कंट्रोल है वो पहले से बेटर हुआ। इनफैक्ट मैंने कुछ वीडियो सैंपल लिए हैं, सनसेट होने वाला था कुछ ना, लखनऊ के आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ इस टाइम, क्या ही खूबसूरत लग रहा है। S23 के कैमरा से ही 4K शूट करके और थोड़ा एडिट भी कर दूंगा, मतलब म्यूजिक वगैरह डाल के। We'll be right back.
और फोटोज तो मैंने बहुत सारे क्लिक करके देखे हैं इससे, जैसे ये अल्ट्रा वाइड है, ये मेन कैमरा है, 3x टेलीफोटो से रिजल्ट, आप इसको 10x डिजिटल जूम, 20x डिजिटल जूम, अप टू 30x तक जा सकते हैं। लेकिन हाँ भाई, 10x तक ठीक आता है रिजल्ट, बाकी डिजिटल जूम काफी क्रॉप हो जाता है, बस आया काम चलाने के लिए होता है। और जो मैंने फोटोज क्लिक किए हैं, आपके मन में आ रहा है कहाँ ये कैमरा स्टैंड करता है, भाई ये फोटोज देखो आप, पहले तो पोर्ट्रेट मोड की फोटोज देखो, काफी अच्छे कलर्स आते हैं यहाँ पर। इनफैक्ट जो मल्टीपल शॉट्स देख लो आप यहाँ पे, जो डायनेमिक रेंज है, डिटेल्स है, कलर्स है, इवन सेल्फी की बात करें, सेल्फी में मैंने अलग अलग फोटोज को क्लिक करके देखा है, और लो लाइट फोटोज भी मैंने लेके देखी, यहाँ पे नॉइज वगैरह काफी कम देखने को मिलता है, फोटोज ब्राइट आ रही है। इनफैक्ट अगर मैं डायनेमिक रेंज में आपको एक टिपिकल सिचुएशन दिखाऊं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ, मतलब ये कुछ ज्यादा मुश्किल सिचुएशन नहीं है, सनसेट होने वाला है, रेड येलो टाइप रोशनी आती है ना शाम के टाइम, इस सिचुएशन में फोटो क्लिक करने के बाद पोर्ट्रेट मोड में ऐसा रिजल्ट आता है, तो कुछ ऐसी इमेज प्रोसेसिंग हो जाती है। स्लाइटिक कलर बूस्ट आपको देखने को मिलता है सैमसंग के फोन के साथ, वो सैमसंग के किसी भी फोन में मिलेगा, बट ओवरऑल जो फोटोज आ रही है वो अच्छी आ रही है। हाँ डेफिनेटली, अगर आपके मन में आ रहा है भाई S23 अल्ट्रा इसमें फर्क है, हाँ फर्क होता है, बट जो प्राइस को आप कंपेयर करने लग जाते हो तो लगता है नहीं भाई, ये भी अपनी जगह बहुत अच्छा कैमरा दे रहा है। तो सीधी सी बात है, मार्केट में एक ऐसा फोन है ये जो कॉम्पैक्ट है, जहां पे अच्छा हार्डवेयर लेकर आ रहा है, साथ में एक अच्छा खासा कैमरा लेकर आ रहा है, सो वो कॉम्बिनेशन ये फोन देता है। और अगला सवाल आपके मन में इंस्टेंट आएगा भाई, 128GB वर्सेस 256GB, तो UFS 4 UFS 3 वाला जो चक्कर है, डेफिनेटली UFS 4 जो होता है डबल होता है ऑलमोस्ट स्पीड में, लेकिन UFS 3.1 इतना स्लो नहीं होता, S22 अल्ट्रा वगैरह में वही यूज करते आए हूं मैं। तो ये सोचने से बेटर आप ये सोचो कि अगर आपको लॉन्ग टाइम फोन सच में एक्सपीरियंस करने का मन है, ज्यादा वीडियो शूट करते हो, स्पेशली 4K वगैरह ज्यादा एप्लीकेशन रखते हो, ज्यादा फोटोज क्लिक करते हो, तो डेफिनेटली आपको 128GB भाई कम पड़ना ही पड़ना है, आप 256GB के साथ जाइए, 8GB रैम आपके लिए काफी है, दिक्कत नहीं आएगी, आपका स्टोरेज एकदम मिनिमल सा रहता है तो फिर 128GB चल जाएगा बढ़िया। बाकी 256GB की प्राइसिंग 80,000 शुरू होती है, कुछ प्राइस एंड डिस्काउंट ऑफर वगैरह भी है, लाइक स्टोरेज अपग्रेड टू 256GB एट द प्राइस ऑफ 128GB, साथ में 5,000 बेनिफिट, बट ये ऑफर 23 फेब तक है, तो आप एक बार डिटेल सारी चेक कर लेना। बाकी और कुछ जानना चाहते हो इस फोन के बारे में डेफिनेटली कमेंट में बताना, कैसा लगा फोन, कैसे लगे वीडियो कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।